हाय लर्नर्स, दिस इज अलीशा महाजन फ्रॉम अन अकेडमी। आज मैं आप सबके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपके साथ मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। कौन सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ? स्ट्रैटेजी की कैसे इतना भारी भरकम कॉमर्स सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करा जाए। ठीक है, What I have guys made initiative for you। मैंने एक initiative लिया है WhatsApp पर। जहां पर जो बच्चे सब्सक्रिप्शन के साथ मेरे साथ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिन बच्चों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उनके लिए मैंने क्या करा है, उनके लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके थ्रू आप आराम से इन सारे यूनिट्स को आराम से कवर कर सकते हैं, एंड वो भी बहुत अच्छे से, इस तरीके से प्रेपरेशन कि ये आपको JRF के लिए हेल्प करे। ठीक है, क्योंकि टारगेट JRF करोगे, ठीक है, 68% इस बार गया, क्या पता अगली बार 70% चला जाए। ठीक है, किस तरीके से परसेंटेज जाएगा, सो मेहनत जो है अच्छे लेवल पर होनी चाहिए और स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए। स्टार्टिंग बोले तो फ्रॉम जुलाई इटसेल्फ। ठीक है, सो मैंने क्या करा है स्टूडेंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई हैव मेड सेवन ग्रुप्स बनाए हैं कॉमर्स वालों के, सेम विद इकोनॉमिक्स स्ट्रीम, एंड सेम विद इन सेवन ग्रुप्स में भी पेपर वन का भी प्रेपरेशन किया जाएगा। ठीक है, पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों। अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या है, देखो हम क्या करेंगे, कोलैबोरेशन में सभी बच्चे अपने आप इसको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता लगा है उनको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने भी कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्या हमने करा है, एक ग्रुप में लेट्स सपोज मैंने 6 से 7 बच्चे रखे हैं। ठीक है, हर ग्रुप में ऐसा होगा 6 से 7 बच्चे, हर एक बच्चे मतलब हर एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए अलॉटेड टाइम मिलेगा। लेट्स सपोज मैंने अभी संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे दिया था, अभी वेडनेसडे आने वाला है, अपकमिंग वेडनेसडे, तब इनका एक टास्क कंप्लीट होगा जिसमें सातों के सातों ग्रुप्स क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर यूनिट्स को, इस पर्टिकुलर यूनिट को कंप्लीट करेंगे 4 दिनों में। कैसे कंप्लीट करेंगे समझते हैं उसे। कई बच्चों को ये नहीं पता मैम सर्कल्स क्या है, दिस डॉट्स आर कॉल्ड सर्कल्स। कैसे पढ़ेंगे ध्यान से सुनिए, पहला बच्चा समझो फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 का पहला बच्चा है, वो क्या प्रिपेयर करेगा, दिस पार्ट फर्स्ट सर्कल। सेकेंड बच्चा क्या प्रिपेयर करेगा, दिस सर्कल। थर्ड बच्चा दिस सर्कल। फोर्थ बच्चा ये वाला सर्कल। फिफ्थ बच्चा ये वाला सर्कल। दैट्स इट। बच्चे हैं 6 से लेकर 7, किसी में 6 है किसी में 7 है, 5 5 उसमें से कम 5 बच्चे पूरी डेडिकेशन के साथ पूरा काम करेंगे। ठीक है, सिक्स्थ और सेवेंथ बच्चे काम करना चाह रहे हैं, कितना कर रहे हैं वो करेंगे, अदरवाइज अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो सिर्फ एक ग्रुप को मेनली 5 ही मैंने अलॉट करे हैं प्रॉपरली पॉइंट्स। जो नीचे के पॉइंट्स बचते हैं वो अगेन ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, जैसे फर्स्ट कॉमर्स का ग्रुप और सेकेंड कॉमर्स का ग्रुप इकट्ठे मिलकर 6th पॉइंट कवर करेगा, सेकेंड थर्ड कॉमर्स का ग्रुप और फोर्थ कॉमर्स का ग्रुप ये वाला पॉइंट करेगा, एंड लास्ट वाले 3 ग्रुप ये वाला पॉइंट कवर करेंगे। इससे क्या होगा, 4 दिनों के अंदर अंदर आपका यूनिट 1 का मटेरियल और कंटेंट सबके पास आ जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, बेस्ट वीडियो ऑन हर एक, देखिए ध्यान से इसको समझे, बेस्ट वीडियो हर एक सर्कल की रिकॉग्नाइज करी जाएगी। फॉर एग्जांपल 7 ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप्स मतलब मेरे पास पॉइंट नंबर 1 दैट इज सर्कल नंबर 1 से रिगार्डिंग ही, ये देख सकते हैं सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 1 से रिगार्डिंग मेरे पास क्या है,
पूरे के पूरे 7 वीडियोस है। इट मींस इसमें जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो कंटेंट रेलेवेंट होगा, साथ में से सबके कोलैबोरेशन करके एक परफेक्ट वीडियो और कंटेंट बनाया जाएगा आपके लिए। फिर उसको सभी बच्चे आराम से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा था संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सबसे रिगार्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हो गया हमारा पेपर 2। साइमल्टेनियसली हम एक हफ्ते में सिर्फ क्या नहीं करेंगे, पेपर 2 नहीं करेंगे, पेपर 1 भी करेंगे। जैसे ये सिस्टम हमने एक यूनिट का पेपर 2 के लिए करा है, सेम हम सिस्टम पेपर 1 के लिए करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, उसके भी कुछ सर्कल्स होंगे, सभी बच्चे उन सर्कल्स पर मेहनत करेंगे एंड बाद में अपना मटेरियल और कंटेंट देंगे, और सबके कंटेंट में से जो आपका जो बेस्ट चीजें होंगी उसको मैं आपको प्रोवाइड करूं। उसके बाद अगर लेट सपोज कोई ऐसा पॉइंट है जो किसी बच्चे से नहीं हुआ, कोई क्लियर नहीं कर पाया, उस पर्टिकुलर सर्कल को मैं उसका वीडियो प्रोवाइड करूंगी एंड आप सबको वो रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, उसी तरीके से अदरवाइज एक ग्रुप होता, कोई खिचड़ी पकती ये करना है वैसे करना है, 5 5 6 6 7 7 के ग्रुप से सभी आराम से काम करेंगे। इससे हमारा आराम से 2 नहीं तो 2.5 महीनों में सारा सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाएगा। उसके नेक्स्ट में जब हमारा सारा कंटेंट रेडी हो जाएगा, फिर एवरी डे रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से 6 मंथ का ये स्ट्रैटेजी मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाई है, जिसको आप टाइमली फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे एक यूनिट के बाद अब अगली टर्न आ जाएगी सेकेंड यूनिट के बाद, अगर किसी कंटेंट यूनिट में, फॉर एग्जाम्पल इस यूनिट में हम देखें तो 10 पॉइंट्स है, वहां पर 4 दिन दे देंगे एक टॉपिक को करने के लिए, मतलब पूरे यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। इस तरीके से सब बच्चों के कोलैबोरेशन से 35 40 इवन 50 बच्चे भी अगर इस तरीके से अपना टाइम और वर्क डिवाइड करके काम करेंगे और बाद में रिवीजन करेंगे उस चीज की, बेस्ट बेस्ट पोर्शन की, तो आपका नेट और JRF होने से कोई नहीं रोक सकता। बट द थिंग इज, अगर आप इसे कहेंगे कि हम इसको पूरा का पूरा लास्ट मंथ में करें, नवंबर दिसंबर में करें, तो ये पॉसिबल है, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, सो इसको पॉसिबल बनाएगा कलेक्टिव एफर्ट। सो जिन बच्चों को, जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वो भी इस चीज को अपने आप में अपने फ्रेंड्स के साथ इसको, इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनियन में स्ट्रेंथ होता है। ठीक है ना, स्ट्रैटेजी को इस तरीके से अडॉप्ट करेंगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको फिर कोई डाउट है इन स्ट्रैटेजी से रिगार्डिंग, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपका कोई सजेशन भी है आप वो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।